चांद मुबारक, रमजान मुबारक, परवरदिगार हम सबको इबादत करने की तौफीक अदा करे, आमीन आमीन। दोस्तों एक थॉट है, हर नमाज में, हर इबादत में, रमजान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? मांगते हैं ना। तो क्यों ना इस रमजान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना मांगकर सिर्फ और सिर्फ अपने मां बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उनकी सलामती, तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआ मांगे। ट्राई करने में क्या है? फिर देखो बिना मांगे वो कैसे दे देता है। और हाँ, हर नमाज में, हर इबादत में ये मनुष्य कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की दुआ जरूर करना, और ये इबादत नमाज सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठकर करना, प्लीज। ओके, ईद में बात करते हैं। रमजान मुबारक। आदाब सलाम, आप सबको रमजान मुबारक। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, नाराज मत होइएगा। देखिए, रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, बहुत सारी दुआ करिए, हम सबके लिए दुआ करिए, लेकिन बाहर मत जाइए प्लीज। इफ्तार पार्टी मत रखिए। देखिए, इफ्तार करना जरूरी है मगर पार्टीज मत रखिए। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए, जाति धर्म मत देखिए। आप प्यार देंगे तब आपको प्यार मिलेगा, तो जिस जिसको खाने की जरूरत है उन सबको खाना खिलाइए प्लीज। मैं सारे स्कॉलर्स, इमाम, मौलवी साहब सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्यार बांटिए, प्यार के शब्द बोलिए। ओनली स्प्रेड लव एंड वील गेट लव प्लीज। थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से रमजान करिए, प्लीज अपने घर रहे और घर से दुआ करें, और हाँ दुआ में याद रखना। मैं हूँ शोएब और मेरी तरफ से आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारक। आमतौर पर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं जनरली सबके लिए बनाता हूँ, बट ये आज का वीडियो स्पेशली मुस्लिम भाई बहनों के लिए है कि रमज़ान का महीना है। हम हमेशा कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो इस बार अगर हमारे रमज़ान घरों में जा रहे हैं, लॉकडाउन में जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है, तो उसकी मर्ज़ी का एहतराम करें, घर पे ही नमाज पढ़ें, घर पे ही इबादत करें, जितनी हो सकती है उतनी इबादत करें। क्या पता, अल्लाह चाहता हूँ कि इस बार हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इबादत में भी। अरे जब हमारे प्यारे नबी आइसोलेशन का हुक्म दे सकते हैं कि अगर ऐसी कोई बीमारी फैली है जो छूने से फैलती है तो आप घरों पर रहें, घरों पर इबादत करें, बाहर ना निकलें, जब वो ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर हम के सामने क्या है कुछ। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी वजह से आपके आस पास के लोग, और अगर आपके आसपास के लोगों की तकलीफ होगी तो अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा। तो बस इबादत करिए जितनी हो सकती है घर पर रह के, और हाँ ध्यान रहे हर इबादत के बाद जब भी हर दुआ के लिए आपके हाथ उठे तो इस बार सबसे पहले अपने मुल्क के लिए दुआ करना, पूरी दुनिया के लिए दुआ करना कि जो बीमारी फैली है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखें। रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, गुनाह माफ़ करवा लीजिए, सवाब कमा लीजिए, और जितनी हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए, उनको तोड़ते हुए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सब्र करिए। जी हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। एक बार फिर से आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को।